स्टूडेंट, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड ऑफ क्लास नाइन्थ. अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 5 मीटर टू 25 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक कार है, एक्सेलरेट करता है, मूव करता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 25, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. इसके एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? अभी सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? गिवन डेटा आप लोगों ने लिखना है. गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. बिल्कुल बेटा, आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी आई, क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. सो इसी तरह लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड. इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास वी एफ, विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. और हमारे पास कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है? टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. टू फाइंड क्या करना है, टू डिटरमाइन क्या करना है, टू फाइंड करना है हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू. एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. कैलकुलेशन पे आते हैं. कैलकुलेशन में बिल्कुल बेटा आप लोगों ने इसी तरह लिखना है. कैलकुलेशन में एज वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग वी एफ माइनस वी आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो पुट करते हैं गिवन डेटा में. फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है हमारे पास 10 सेकेंड. 25 को माइनस करेंगे 5 के साथ, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10. ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. 10 वन्स आर 10, 10 टूज आर 20. सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ये हमारे पास क्या होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी. उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.